आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम इसके पहले आपको पढ़ाने वाले थे फ्रेज एंड क्लॉज, लेकिन फ्रेज एंड क्लॉज हम पढ़ाने वाले थे, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए हमें जरूरत पड़ रही पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि हम इन फ्रेज और क्लॉज और जितने भी पार्ट्स हैं आगे की जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं, जो बेसिक से आगे हम बढ़ने जा रहे हैं ग्रामर में, उसमें हम उन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रॉपरली फोकस कर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एक बार उन सारी चीजों को रिवाइज कराना चाहेंगे और थोड़ा सा अपग्रेड करने चाहेंगे। लेवल जो होगा उसका उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड होगा। अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 5th से पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही चीजें हमें पढ़ना है। कुछ चीजें हमें बस अपग्रेड करके पढ़ना है। अब वो अपग्रेड करना है, उसी अपग्रेडेशन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे हमें ध्यान देनी होती हैं कैसे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि आपको पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स पार्ट्स मीन्स क्या है, किसका, स्पीच का पार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच का पार्ट। अगर बाय चांस कोई भी, हमने आपको बताया था, कोई भी स्टेटमेंट हमारा होता है, हम कुछ भी अपनी बातें करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, व्हाट एवर वी स्पीक, व्हाट एवर वी कन्वे थ्रू सेंटेंसेस इन अ सेंटेंस वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स आर देयर इन अ सेंटेंस एंड दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन दैट सेंटेंस। अगर हम आपसे बात करें, अगर हमने आपसे पूछा कि हमने बोला जज ये वर्ड है, ये जज एक्चुअल में कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, जज एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो आप कोई कह सकता है सर ये नाउन है, कोई कह सकता है वर्ब है। तो एक्चुअल में ये क्या है, हमें ये समझने के लिए, ये हम अगर कोई कह देता है नाउन है, कोई कह देता है वर्ब है, तो हम इसको क्या मान के चलें। या फिर अगर हमने एक वर्ड दिया विच, हमने पूछा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, आपने कहा सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, किसी ने कहा सर एडजेक्टिव है, ठीक है। अब हमारा कैसे आइडेंटिटी कैसे क्लियर होगी। हमने मान लीजिए कोई एक वर्ड दिया, हमने कहा ब्लैक, ब्लैक एक वर्ड है। आपसे हमने पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, आपने कहा सर ये एडजेक्टिव है, किसी ने कह दिया सर ये नाउन है, ठीक है ना। तो अब हमें कैसे क्लियर होगा। अब हमें ये सब क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये जैसे हम ये क्लियर कर रहे हैं, जज को हमने एक बार नाउन, एक बार वर्ब, यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पे नाउन, इस तरीके से हमने देखा कि एक ही वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है। ये कैसे डिफरेंट हो जाती है, ये डिफरेंट इस तरीके से होती है कि जब हमारा स्पीच में ये पर्टिकुलर वर्ड आता है तो जिस रोल को प्ले करता है, जो भी रोल प्ले करता है, वही रोल हमारा, उस रोल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड क्या, कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट, एक ही वर्ड है लेकिन वो डिफरेंट रोल प्ले करता है, तो कहीं पे वो नाउन, तो कहीं पे एडजेक्टिव, तो कहीं पे वर्ब का काम करता है ना। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इनकी आइडेंटिटी हम तभी क्लियर कर सकते हैं जब ये स्पीच में यूज हुए। स्पीच में यूज होने का मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज हुए हो। तो हमें क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पढ़ना है कि जो सेंटेंस होता है हमारा, हम कोई भी अपनी बातों को कहते हैं, हमारा कोई भी स्पीच होता है, हमने आपको बताया कि डिफरेंट लेटर्स कम टुगेदर एंड दे मेक वर्ड, एंड डिफरेंट वर्ड्स कम टुगेदर एंड दे मेक सेंटेंस, एंड डिफरेंट सेंटेंसेस कम टुगेदर एंड दे मेक स्पीच। ऐसे होता है कि हम डिफरेंट, हेलो यस, ओके ओके ओके
हमने कहा कि डिफरेंट लेटर्स जो होते हैं वो मिलकर एक क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और वो जो डिफरेंट सब डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं वो एक साथ आकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और वो सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को बोलते हैं, कोई भी अपना स्पीच देते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट सेंटेंसेस का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और वो जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड होता है, वो वर्ड डिफरेंट रोल प्ले करता है। उस रोल के अकॉर्डिंग हम उसकी आइडेंटिटी क्लियर करते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, या फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है। इस तरीके से हम उसकी रोल के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दें, एक सेंटेंस हमने लिखा, आई एम न्यू टीचर। ओके, आई एम न्यू टीचर। या फिर हमने बोला, न्यू की जगह हमने लिखा इनएक्सपीरियंस लिख दे रहे हैं, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, ये हमने लिख दिया, आई एम इनएक्सपीरियंस्ड टीचर। ओके, हमने लिखा, ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड सेंटेंस में आएंगे वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेंबर होंगे, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोई ना कोई 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने आपको बताया, उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली से जरूर बिलोंग कर रहा होगा। अब ये एम जो है, या इनएक्सपीरियंस जो है, या टीचर जो है, ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है पर्टिकुलर वर्ड, इसके हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते। हम इसको तभी बता सकते हैं जब क्या करेगा कि इसको सेंटेंस में इस पर्टिकुलर वर्ड के हम वर्क को देखेंगे, इसका क्या रोल प्ले कर रहा है, हम उसके रोल को देखेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तब हम बता सकते हैं जब इसकी हम वर्क को देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गया, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, ये यहाँ पे वर्ब, ये यहाँ पे एडजेक्टिव, ये यहाँ पे नाउन। तो जितने भी ऐसे जितने बुक में आप जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं, या भी जितने भी सेंटेंस हम यूज करते हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, वॉट एवर द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली के मेंबर जरूर होते हैं। नया सेंटेंस हम आपको लिखते हैं, हमने लिखा विच इज योर पेन, विच इज योर पेन। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा है और मैंने आपसे पूछा कि ये जो जितने वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या हैं, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली के मेंबर होंगे, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली के मेंबर नाम हम आपको बता रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये आपने पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है। हमें थोड़ा सा हमें इसके लेवल को बढ़ा देना है, बस इतना सा करना है। वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन्हीं पे हमें फोकस करना है, हमें ये ध्यान देना है कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो किसी ना किसी, इनमें से किसी ना किसी फैमिली के मेंबर जरूर होंगे। अभी देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, इफ यू फोकस ऑन देयर वर्क, अगर इन सेंटेंसेज में इन इन सेंटेंस इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, इन वर्ड्स के फंक्शन पे आप जाएंगे, फंक्शन मतलब इसका क्या काम है, क्या कार्य कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, पर्टिकुलर वर्ड, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, या क्या है, ठीक है ना। तो अब हमें फंक्शन सीखना है, किसी पर्टिकुलर वर्ड का फंक्शन सीखना है कि वो पर्टिकुलर वर्ड कौन सा फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में। अगर हम उसके फंक्शन को समझ गए तो ये हम समझ जाएंगे कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। अभी तक हमने अकेले पढ़ लिया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बस अब किसी के नाम को हमने समझ लिया तो क्या हो गया, वो हमारा नाउन, हमने किसी के नाम को देखा तो हम उसको बता देंगे कि नाउन है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में जो कि आपको दिखता भी नहीं कि नाउन है, देख के लगेगा ही नहीं कि ये नाउन है, ऐसा लगेगा कि वो क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, लेकिन वो नाउन का रोल प्ले करता है।
ठीक है ना। तो उसके फंक्शन वो कैसे डिसाइड होगा, वो हम उसके फंक्शन को देख के डिसाइड कर देंगे कि वो हमारा क्या है, नाउन है। जैसे हमने कहा एक एक वर्ड हमने दिया था, हमने कहा जज, हमने कहा जज जज। अब इस जज वर्ड को हम वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके फंक्शन हम फंक्शन क्या कर देंगे, डिफर कर देंगे, तो तुरंत ये नाउन हो जाएगा और तुरंत वर्ब हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि जज जज इज सुप्रीम, जज इज सुप्रीम पार इन द कोर्ट, जज इज सुप्रीम पार इन द कोर्ट। एक सेंटेंस दिया, यहाँ पे जो जज है ये जज है नाउन का काम कर रहा है। हमने कहा आई कांट जज एनी वन, आई कांट जज एनी वन। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ड जज यूज हुआ, ये जो जज है ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। अब हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि पर्टिकुलर वर्ड जो होता है सेंटेंस में वो कौन सा फंक्शन कर रहा है, ऐसा कौन सा रोल प्ले कर रहा है कि वो नाउन, अगर फंक्शन नाउन का कर रहा है वो रोल नाउन का प्ले कर रहा है तो नाउन कहलाएगा, अगर वो फंक्शन वर्ब की तरह कर रहा है तो वर्ब कहलाएगा, है ना। दूसरा सेंटेंस हम आपको देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस हमने देखा, ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं। अब इस पर्टिकुलर वर्ड्स पे हम एक एक करके फोकस करते हैं, इसके फंक्शन पे फोकस करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है अगर हम इस पे पर्टिकुलरली फोकस करें तो ये क्या कर रहा है, एक नाउन के स्थान पे आया हुआ शब्द है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ शब्द है, जो कि क्या है, ये क्या काम कर रहा है, एक नाउन के स्थान पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ शब्द है, तो क्या हो गया, प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसलिए क्या होगा ये प्रोनाउन। अब हमारा ये क्या है, ये लिंक करने का काम कर रहा है, लिंक करने का काम करता है, इसलिए क्या हो गया वर्ब, लिंकिंग वर्ब के रूप में है ये, ठीक है ना, वर्ब हो गया ये, वर्ब का काम कर रहा है। तो अब ये वर्ब को हम केवल ये समझते हैं कि एक्शन करता हुआ दिखे तो ही हमारा वर्ब हो, जैसे कि खाना पीना लेना देना तोड़ना फोड़ना आना जाना, ऐसे वर्ड्स दिखे तभी हम वर्ब कहें, नहीं ऐसा नहीं होता है। केवल हमें एक्शन वर्ब ही वर्ब नहीं होते, बल्कि एक टाइप का ऐसा भी वर्ब होता है जो कि क्या, कौन सा रोल, क्या रोल प्ले करता है, वो एज ए स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये जो वर्ब है स्टेट ऑफ बीइंग का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या है, एक वर्ब है। अब अगर आपको हम सेंटेंस देंगे आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो प्ले वर्ड है ये वर्ब का एक्शन एक्शन शो कर रहा है, इसलिए क्या है ये वर्ब है, और यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये भी ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये जो वर्ब होते हैं, ये जो वर्ब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब, या तो क्या करते हैं लिंक करने का काम करते हैं, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, या फिर मेन वर्ब का क्या करते हैं, हेल्प करते हुए। यहाँ पे मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है, एक्शन वर्ब का हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या हो गया ये भी वर्ब है और ये क्या है, ये आपका एक्शन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्प करने का काम नहीं कर रहा है, किसी मेन वर्ब का हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा बल्कि लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। और ये किस तरीके से क्या शो कर रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, ये एक्शन शो कर रहा है। तो वर्ब हमारे डिफरेंट फंक्शन करते हैं, वर्ब जो हमारा होता है वो भी अलग अलग फंक्शन करता है, और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ये भी वर्ब है, यहाँ पे ये भी क्या है, वर्ब है। अब हमने देखा, हमने कहा कि योर जो पर्टिकुलर वर्ड है, अभी हम एक एक पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि सेंटेंस में कैसे पर्टिकुलर वर्ड का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है और उसका आइडेंटिटी तुरंत चेंज हो जाती है, नाउन से प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में मूव कर जाती है, एडवर्ब में मूव कर जाता है, एक एक करके हम देख रहे हैं। ये हमने एक वर्ड बताया, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये जो योर है, ये योर जो है, हमने वैसे तो आपको बताया प्रोनाउन चार्ट में इसको कि योर जो होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे जो काम कर रहा है इसका जो फंक्शन है, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है पजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि पजेशन शो कर रही है, मतलब ये जो नाउन है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये पर्टिकुलर वर्ड इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को कहीं ना कहीं से क्वालिफाई, ये जो वर्ड है इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पजेशन शो करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करेंगे, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया ये पर्टिकुलर वर्ड, सॉरी हाँ
हाँ सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव, आई एम रियली सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैंने प्रोनाउन बताया था, आप इसको एडजेक्टिव कर लें। हमने कहा कि ये जो योर वर्ड है इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए ये पर्टिकुलर वर्ड क्या है? पजेसिव, पजेशन शो कर रहा है, इसलिए पजेसिव वर्ड है। और पजेसिव वर्ड के साथ साथ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये कहीं पे ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा होगा, प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अभी आप म्यूट करें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम समझ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन है, म्यूट कर लें, हम आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आपके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, या नेक्स्ट आपको सेंटेंस लिखते हैं। ये जो वर्ड लिखा है हमने, तो पर्टिकुलर वर्ड अलग अलग जगह जाके अलग अलग फंक्शन करते हैं और इसकी आइडेंटिटी तुरंत चेंज हो जाएगी। कहीं पे देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है, तो कहीं पे पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने बोला योर योर, अभी एक चलिए हम लिख देते हैं। हमने कहा दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो योर, हेलो एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, ओके थैंक यू, थैंक यू, ओके। तो हमने कहा कि जो इस सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अब हम इसके आइडेंटिटी पे जाते हैं, इसके फंक्शन पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। अब ये जो दिस पर्टिकुलर वर्ड है, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज, वैसे तो ये डिटरमाइनर्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रोनाउन में रख रहे हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन हम जो आपको पढ़ाएंगे, डिटरमाइनर्स को हमने ऐड नहीं किया है। वैसे जो मॉडर्न जो ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर में बोला जाता है कि इसमें एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक ऐड कर दिया जाता है, डिटरमाइनर्स जो होते हैं, डिटरमाइनर्स को भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन हम उसको इसमें नहीं ले आ रहे हैं। जितने भी डिटरमाइनर्स हैं, हम उसको या तो एडजेक्टिव या तो फिर प्रोनाउन में हम रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वो हम आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ पे डिटरमाइनर्स यूज होता है, डिटरमाइनर्स क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे डिटरमाइनर्स को ऐड नहीं किया है, केवल एक उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने लिया है जो कि ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लास भी बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लास भी बोलते हैं। क्यों वर्ड क्लास बोलते हैं? क्योंकि जो पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसका हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसका जो उसको हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से क्लासेस हैं? ये इस तरीके की क्लासेस में उसको हम डिवाइड करते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? वर्ड क्लास भी बोलते हैं, और ट्रेडिशनली हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। मॉडर्न ग्रामर में इसको वर्ड क्लास बोला जाता है। वर्ड क्लासेस में एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड कर दिया गया है, डिटरमाइनर्स, जिसको कि हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर डिटरमाइनर को हम एडजेक्टिव या प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आइए फिर से हम वापस आते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि दिस दैट, ये दिख रहा है आपको, दिस दैट दीज दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब इंडिकेट करने का काम करते हैं, तो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड बोलते हैं। अगर हम इनसे आपके पास इंडिविजुअली इनके बारे में हम आपसे पूछें कि ये क्या है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है, लेकिन ये जब पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कहीं पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, तो कहीं कहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्यों? अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअली इसको अगर हम इसको सेपरेटली देखें, बिना सेंटेंस में यूज किए हुए देखें, तो ये क्या है? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है, शो करने का काम करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। हमने कहा दिस इज अ पेन, अब ये इंडिकेट कर रहा है, तो दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम सेंटेंस में इसको यूज कर ले, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कहीं पे एडजेक्टिव हो जाएगा, तो कहीं पे प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो ये दिस यूज हुआ है, ये दिस क्या कर रहा है? ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का तो काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? एक कहीं ना कहीं से नाउन को क्वालिफाई करके ये यूज हो रहा है, मतलब एक नाउन को इंडिकेट कर रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, तो क्या हो गया हमारा? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी को अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करना चाहें, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये वर्ड दिस है, वही क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और वही पर्टिकुलर यहाँ पे वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया।
तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम आपसे इंडिविजुअली पूछ लें इसके बारे में कि ये पर्टिकुलर वर्ड दिस क्या है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो आपको डिसाइड करना ये मुश्किल हो जाता है। क्यों डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है? ये हम डिसाइड करें तभी कर सकते हैं कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, कि नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, तभी डिसाइड कर सकते हैं जबकि ये सेंटेंस में या फिर स्पीच में यूज होकर आए। मतलब सेंटेंस में जब इसे हम देखें तो इसके फंक्शन को हम फोकस करें, इसके इस फंक्शन पे फोकस करेंगे, फिर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग तब हम बता सकते हैं कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये पर्टिकुलर वर्ड बिलोंग करता है। आप अगर इंडिविजुअली इसको बताना चाहेंगे कि ये क्या है, तो आपको केवल इतना बताना है कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। तो ऐसे ही अगर हम देखें, एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है आंसर। आंसर, ये आंसर वर्ड है, हम फ्रिक्वेंटली इसको यूज करते हैं। अगर हम आपको आंसर पूछें तो हाँ आप क्या कहेंगे, आंसर एक क्या है, नाउन हो सकता है ना, है ना। हमने कहा आंसर क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। हमने कहा आंसर आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर आंसर क्या हो गया, नाउन के रूप में यूज हो रहा है। ये पर्टिकुलर आंसर नाउन के रूप में हो रहा यूज हो रहा है। अगर हम इसी पर्टिकुलर नाउन को हम वर्ब के रूप में यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए, हमने इस आंसर वर्ड को नाउन के रूप में यहाँ यूज किया है, आंसर इज रॉन्ग। अब इसी आंसर वर्ड को हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। हमने कहा ही आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ही आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर वर्ड जो है, अब यहाँ पे ये आंसर वर्ड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे नाउन का काम कर रहा था। ये कैसे डिसाइड हुआ? अगर हमने आपसे इंडिविजुअली पूछ लिया होता यहाँ पे लिख के कि आंसर वर्ड एक्चुअल में क्या है, तो आप बता देंगे कि सर ये हो सकता है कि ये नाउन है। नाउन आपने बोल दिया, ठीक है, हमने मान लिया नाउन है। किसी ने कह दिया नहीं ये वर्ब है, तो हमको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वर्ब भी है। लेकिन ये डिसाइड कब होगा, ये हम वर्ब या नाउन तभी डिसाइड कर सकते हैं कि जब वो किसी स्पीच में आए या किसी सेंटेंस में यूज होकर आए, तो उसके फंक्शन को देखकर तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ये आंसर वर्ड है या फिर कोई भी वर्ड हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वर्ड। द वर्ड व्हेन दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, वी डिसाइड द डिफरेंट क्लासेस, द डिफरेंट वर्ड क्लासेस। हमने क्या कहा, हमने कहा द वर्ड व्हेन द वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, व्हेन द वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दैट वर्ड, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दैट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, वी से वी डिसाइड द वर्ड क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। मतलब कि उस वर्ड का वो वर्ड कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तब हम डिसाइड करते हैं। ऐसे इंडिविजुअली अगर हम चाहें कि हम आंसर वर्ड को डिसाइड कर लें कि ये नाउन है या फिर वर्ब है, तो ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा मुश्किल क्या, बहुत कंफ्यूजिंग होता है और रॉन्ग आंसर भी हो सकता है। आपने हमने कह दिया कि नाउन है, आप तुरंत मेरी बातों को निगलेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं सर ये वर्ब है, या फिर आपने कहा कि वर्ब है, मैंने कहा नहीं ये नाउन है। तो ऐसे ये बहुत आसानी से निगलेक्ट किया जा सकता है। एक वर्ड डिफरेंट फंक्शन कर सकता है, एक पर्टिकुलर वर्ड डिफरेंट फंक्शन कर सकता है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे आंसर यूज करके दिखाया, यहाँ पे हमने दिस यूज करके दिखाया, दिस को हमने पजेसिव प्रोनाउन सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया, उसी दिस वर्ड को हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया, इसी विच वर्ड को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया है, और इसी विच वर्ड को हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करके आपको दिखा रहे हैं। हमने कहा ये जो विच वर्ड है यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हमने कहा विच विच पेन इज योर्स। आप विच वर्ड से बहुत ढेर सारे विच को कई जगह पे आप क्या है एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा विच शॉप, विच पेन, विच बुक, है ना। तो जब विच किसी नाउन को क्वालिफाई करने करके आएगा, मतलब किसी नाउन को क्वालिफाई करने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वही विच वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। और वही विच वर्ड अगर किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा होगा, प्रोनाउन के स्थान मतलब नाउन के स्थान पे आ रहा होगा, नाउन का वर्क कर रहा होगा, नाउन के प्लेस पे आ रहा होगा, नाउन का एक वो जो उसका जो फंक्शन होगा नाउन की तरह होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन, है
है ना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे विच, वही विच वर्ड यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो क्या है ये, सॉरी नाउन की तरह आ रहा है, नाउन के स्थान पे आ रहा है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वही विच वर्ड यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना। ये इस तरीके से डिसाइड हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऐसे तो हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल आपको और भी देते हैं। जैसे कि आप पजेसिव वर्ड जो होता है, पजेसिव वर्ड अभी यहाँ पे योर बताया था हमने, जो पजेसिव वर्ड होते हैं, पजेसिव वर्ड्स, जैसे हमने कहा माई है ना, या फिर हमने कहा हिज, हिज वर्ड को हम पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हमने यूज किया तो हमने कहा इट इज, लेट मी यूज ब्लैक, इट इज हिज पेन। सिंपल सा सेंटेंस, इट इज हिज पेन। दिस पेन इज हिज। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड हियर हिज, द वर्ड हिज इज प्रोनाउन एंड हियर द वर्ड हिज इज एडजेक्टिव। हियर द वर्ड हिज इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड हियर The word his is possessive pronoun, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर वर्ड जो होता है, कैसे ये डिसाइड कैसे हो रहा है, ये पर्टिकुलर वर्ड अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपने अपने क्या है, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेना है, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आई एम डूइंग रिसर्च, लेट मी टेल यू दैट आई एम डूइंग रिसर्च, आई एम रिसर्च स्कॉलर ऑल्सो, सो मीन्स एट द सेम टाइम आई टीच ऑल्सो, बट आई एम रिसर्च स्कॉलर ऑल्सो। तो अभी जब हम आपको पढ़ाते हैं या फिर वेन आई टीच इन कॉलेज, एट दैट टाइम आई प्ले द रोल ऑफ टीचर। राइट नाउ एंड इन कॉलेज वेन आई टीच, आई प्ले द रोल ऑफ टीचर, एंड एट द सेम मोमेंट वेन आई जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ माई टीचर्स, in front of my teachers and I am taught by my teachers, at that moment I play the role of student. तो जो function, मैं एक particular person जब different role play करता हूँ तो क्या होता है, different identity हमारी हो जाती है, क्या कि right now I am a teacher and sometimes when I study like a student I become a student. तो in different situations my identity is changed. In the same way, in different situations, in different condition, in different sentences, the identity of particular word is changed according to the function of that particular word. Function मतलब कुछ particular word की function, मतलब उस particular word के काम के according क्या होता है, उस particular word की identity change होके noun से कहीं पे pronoun, तो कहीं पे sorry noun से कहीं पे adjective, तो adjective से कहीं पे noun, तो कहीं पे verb, तो कहीं पे एडजेक्टिव, इस तरीके से चेंज होता चला जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब आप इंडिविजुअली किसी वर्ड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप जब भी बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप डिसाइड करने जा रहे हैं तो वर्ड आपको इस टाइटल से ही आपको क्लियर रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि हम तभी डिसाइड करेंगे जब पर्टिकुलर वर्ड स्पीच का क्या हो, पार्ट हो। जब पर्टिकुलर वर्ड स्पीच का पार्ट हो तो वो पर्टिकुलर वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा होगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली से बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर वर्ड। तो हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि जितने भी वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज करते हैं, जितने भी वर्ड सेंटेंस में यूज हुआ हो या बुक में जितने भी वर्ड्स लिखे गए, इतनी मोटी बुक है, उसमें अगर हम एक एक वर्ड पे फोकस करने जाएं तो सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या वर्क है, उस वर्क के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करके उनको इन्हीं 8 काइंड्स में एडजस्ट कर देंगे, इन्हीं 8 काइंड्स में हम एडजस्ट कर देंगे, इसके बाहर वो नहीं जाएगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वी डिसाइड द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड वी पुट इन पर्टिकुलर वर्ड क्लास, वी पुट दैट वर्ड इन पर्टिकुलर वर्ड क्लास, ठीक है ना। तो ये वर्ड क्लास कैसे डिसाइड होता है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब सोचिए कि इतनी ढेर सारी वर्ड्स, इतने ढेर सारे वर्ड्स हैं और उस वर्ड्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इन उनको कितने में लिमिटेड कर देते हैं, उनको हम इन 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको उनको लिमिटेड कर देते हैं, उनका जो लिमिटेड फील्ड है यही 8 है, इसके बाहर वो नहीं जाएंगे। डिफरेंट कितने कितने लाखों लाख वर्ड्स हैं और एक बुक में जितने भी वर्ड्स यूज हुए होते हैं, अगर उस वर्ड्स के फंक्शन पे जाएं तो इतने में ही क्या हो जाएगा, वो समाहित हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम इस पार्ट को समझ लेते हैं,
इस सेक्शन को हम समझ लेते हैं जिसको कि हम क्लास फिफ्थ से पढ़ते चले आए हैं, अगर हम इस सेक्शन को समझ लेते हैं तो हमें आगे जो नाउन क्लास, सॉरी नाउन क्लास या एडवर्बियल क्लॉजेज या फिर भी जो कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, फ्रेज क्लॉज या जो भी आगे हम इस बेसिक से आगे बढ़ेंगे हम ग्रामर में, वो चीजें आपको बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेंगी। अगर आपको ये एडवर्ब एडजेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पे एडजेक्टिव क्यों एडवर्ब हो जा रहा है, क्यों एडजेक्टिव हो जा रहा है, अगर ये इन बातों को आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर वही आपको समझना वहां पे एडवर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज या फिर वर्ब, मतलब जितनी भी चीजें हम आगे आपको पढ़ाएंगे वो आपको नहीं क्लियर होगा, वहां पे आप कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आप प्रॉपरली फोकस कर लें, हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। कोई क्वेश्चन है इसमें से बताइए, फिर हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके ओके, हाँ लेट मी सी हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ। हाँ ओके, पूनम, कोमल, शिल्पी एंड वर्तिका, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। ओके लेट्स मूव टू, ओके लेट्स मूव टू दीज पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पर्टिकुलरली वन बाई वन। ओके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगेगा कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, बट हो सकता है कुछ नई चीजें जरूर मिलेंगी आपको। अभी हम जैसे कि हमने कल परसों की क्लास में बताया था कि कुछ कुछ फ्रेज ऐसे यूज होते हैं, कुछ कुछ क्लॉज ऐसे यूज होते हैं या फिर कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे यूज होते हैं जिसको कि हम नाउन की तरह यूज करते हैं, जिसको कि हमने बताया था कि जैसे वर्किंग इज, या हमने बोला टू वॉक इन द मॉर्निंग, हमने उसको नाउन की तरह यूज किया था। अभी उन चीजों को हम नाउन में नहीं इंक्लूड करेंगे, हम उन चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल और केवल फोकस करने जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड अगर आ रहा है तो वो नाउन कैसे बन जाता है, वो नाउन क्यों होता है। चलिए, हमने कहा सबसे पहला जो हमने हमारा टाइटल था नाउन, जो सबसे पहला मेंबर हम हमेशा डिस्कस करते हैं नाउन, वैसे कहीं कहीं पे वर्ब, और ये भी आप जान लीजिए कि हमने इसको बताया आपको कि क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लास भी बोलते हैं। वर्ड क्लास हमने बताया कि ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में हम इसको क्या करते हैं, वर्ड के वो डिफरेंट क्लासेस में हम डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ड क्लास भी बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। मॉडर्न ग्रामर में इसको वर्ड वर्ड क्लास बोलते हैं। पहला जो, वैसे नॉर्मली हम नाउन ही डिस्कस करते हैं या आप जैसा चाहें वर्ब भी डिस्कस कर सकते हैं। और वर्ड क्लास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ को क्लोज वर्ड क्लास और कुछ को ओपन वर्ड क्लास में रखा गया है, ठीक है ना। क्लोज वर्ड क्लास और ओपन वर्ड क्लास क्या है, हम आपको लास्ट में एक बार थोड़ा सा इन शॉर्ट डिस्कस कर देंगे। क्लोज क्लोज का मतलब यही, जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने, एक पहला वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिसको हमने बताया था क्लोज इंट्रो, क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लोज और ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसके अकॉर्डिंग, किस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लोज और ओपन कहा था? हमने कहा था कि उसका आंसर हमेशा यस या नो इतने में ही लिमिटेड होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसका आंसर ओपन होता है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ आंसर, इवन ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन वन कैन आंसर इन अ बुक, एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर एक पूरे बुक बुक में दिया जा सकता है, एक पूरा बुक भरा जा सकता है, तो इसको इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ओपन ओपन टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम उसके अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी ओपन और क्लोज टाइप वर्ड क्लास है, वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, कुछ ऐसे क्लासेस हैं जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें कि नए वर्ड्स की एंट्री बहुत कम होती है, नए वर्ड्स की एंट्री बहुत कम होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्लास हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसमें कि चाहो तो जब चाहो जैसे उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी नया वर्ड ऐड कर दो। जैसे कि हमने कहा नाउन, नाउन में देखोगे ना तो कोई भी एडजेक्टिव है उसको भी आप नाउन की तरह यूज कर दो, कोई भी वर्ड है उसको आप नाउन की तरह यूज कर लो, नाउन की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा, आपने कई बार सुना होगा कि आई जो वर्ड है, आई को हम ऐसे प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं, आई को आई के साथ आप यूज करके, इज यूज करके दिखाइए। जो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे मतलब हंसी मजाक में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, आई के साथ नॉर्मली एम यूज होता है, लेकिन आई के साथ आप इज यूज करके दिखाइए, तो आई इज अ प्रोनाउन। अब क्या है, अब यहाँ पे आई जो यूज हुआ है, अब आई यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, बल्कि आई क्या है, एक नाउन के रूप में यूज हुआ है,
तो ये क्या होता है, डिफरेंट अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें नए वर्ड्स को हर हम जब चाहें तब इसमें नए वर्ड्स को उसके फंक्शन चेंज कर दें और वो नाउन में नया वर्ड ऐड हो सकता है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड क्लासेस हैं जिसमें कि नए वर्ड्स की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको हम क्या रखते हैं ओपन क्लास में। और कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें जिसमें कि नए वर्ड्स की संभावना बहुत कम होती है, जैसे उसमें आते हैं इंटरजेक्शन आता है, प्रीपोजिशन आता है ना, या फिर इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, इसमें क्या होता है कि नए वर्ड्स की संभावना बहुत कम होती है ना। तो क्लोज वर्ड क्लास में इसको रखते हैं, और क्या है उसमें नए वर्ड्स की संभावना बहुत ज्यादा होती है। प्रोनाउन को भी हमारी संभावना बहुत कम होती है, तो उसको भी हम किस में रखते हैं क्लोज वर्ड क्लास में। और जिसमें संभावना बहुत ज्यादा होती है कि नए वर्ड्स हमेशा ऐड हो सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं ओपन वर्ड क्लास में रखते हैं। आप इसको हम इसको एक बार लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास। वैसे कहीं पे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने बोला नाउन, नाउन हम कहते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है ना। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मतलब कि कोई भी है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन की जगह नोन एज नाउन आर नोन एज नाउन। हमने कहा कोई भी नेमिंग वर्ड हो, हम हर चीज को एक नाम देते हैं, हम हर चीज की क्या है हमारी एक आइडेंटिटी है। हम तो कहते हैं, हमारा ऐसा मानना है कि हर एक, अगर हम किसी भी वर्ड को हम नाउन की तरह से बिहेव करा सकते हैं उसकी फंक्शन को चेंज करके। हमने कहा किसी भी चीज को हमने क्या दिया एक नाम, उसकी एक आइडेंटिटी को, एक किसी फंक्शन को हमने उसके नाम दे रखा है, चाहे वो इवन हमारा वर्ब ही क्यों ना हो, कोई एक्शन ही क्यों ना हो, उस एक्शन के पर्टिकुलर एक्शन के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या है एक नाम दे रखा है, और उस नाम से क्या होगा उसका कोरिलेशन हो गया। तो कोई भी चीजें हैं उसको हमने उसके सिंबल के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके क्या है हमने नाम दे रखा है, वही उसकी क्या हो गई आइडेंटिटी हो गई है। तो वो जो नाम हमने दिया है वो भी क्या है एक नाउन का ही काम करता है। तो इवन हम अगर आपसे कहें कि एक जो वर्ड गो है या फिर टॉक है, इवन ये सब भी क्या है एक नाउन का ही काम कर सकते हैं, तो आपको एग्री करना पड़ेगा कि जितने भी वर्ड्स हैं सब कहीं ना कहीं से एक नाउन है। नाउन का मतलब ही यही है कि नाउन का मतलब है कि कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, इवन हम अगर मूव करते हैं तो मूव करने की इस फंक्शन को हमने इस करना, अगर हम बात करें तो वर्ब हो जाता है, लेकिन अगर हम मूव की बात करें तो एक वो उसको जो नाम दिया गो, चलने के प्रक्रिया को हमने जो नाम दिया गो, वो भी क्या हो गया कहीं ना कहीं से नाउन का ही काम करता है। इसलिए हमने क्या कहा कि सारे नेमिंग वर्ड जिसको हम नाम की तरह, अगर हम एज अ नेमिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको नाम की तरह यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा। लेकिन उसको जब हम फंक्शन में जाएंगे, अंदर फंक्शन में जाएंगे, सेंटेंस में हम जब उसको रखेंगे और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब वो जैसा फंक्शन करेगा, अगर वो नाउन की तरह फंक्शन करेगा, अगर हम उसको एज अ नेम फंक्शन करा रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन करा रहे हैं, एज अ प्लेस फंक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो नाउन का काम करेगा। इसको हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन किसी भी पर्सन का नाम हो तो नाउन होगा ही होगा, प्लेस का नाम होगा वो भी नाउन ही होगा, प्लेस, थिंग, थिंग इसको हम ऑब्जेक्ट कहें तो भी चलेगा, है ना, मतलब क्या एटसेट्रा। फीलिंग भी हम कह सकते हैं, किसी भी फीलिंग को हमने फीलिंग हो, आइडिया हो, क्वालिटी हो, किसी भी चीज को अगर हमने नाम दे रखा है तो क्या होगा वो हमारा हो जाएगा नाउन। जैसे हमने क्या है नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, इसी को हमने ऑब्जेक्ट कह दिया, फीलिंग आइडिया क्वालिटी, किसी भी चीज को हमने नाम दिया तो क्या हो गया वो हमारा नाउन का काम करेगा। जैसे हमने कहा नाउन पर्सन, पर्सन के नाम तो आपको इजी है, किसी भी पर्सन को आप नाम दे दीजिए, जैसे कि हमने डॉक्टर बोला, हमने कंपाउंडर बोला, हमने क्या बोला, हमने हमने बॉय बोला, गर्ल बोला, या फिर मेरा नाम ही पर्टिकुलर मेरा ही नाम ले लीजिए, या फिर पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का नाम ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। हाँ ये होगा कि आगे चल के हम उसको डिवाइड करके आपको बताएंगे कि वो जो नाम होगा वो आगे नाम डिफरेंट नेम्स क्या है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ पर्सनल, कुछ प्रॉपर नाउन, सॉरी हाँ कुछ प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, कुछ कॉमन नाउन हो जाते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन के बाद कुछ कंपाउंड नाउन, मतलब कि जितने भी इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे क्या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन,
फिर हमारा प्रॉपर नाउन, फिर हमारा कलेक्टिव नाउन, फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट, ये सब जो है ये कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट, इन चीजों को हम अभी हम अलग अलग करके समझाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कैसे हमारा डिसाइड होता है, एब्स्ट्रैक्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हम किसी भी वर्ब से, किसी भी एडजेक्टिव से और किसी भी कॉमन नाउन से हम प्रॉपर ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट कर देते हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको अभी केवल इतना समझना है कि किसी भी नेमिंग वर्ड को, किसी भी नेमिंग वर्ड का मतलब किसी पर्सन को हमने कोई नाम दिया तो वो हमारा नाउन हो जाएगा, प्लेस का नाम हुआ तो वो हमारा नाउन हो जाएगा, या फिर किसी थिंग, किसी भी थिंग को हमने ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग या ऑब्जेक्ट को नाम दिया। ये ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है ना ऑब्जेक्ट, ये बड़ा ही ब्रॉड है अपने आप में। किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम दिया ये अपने आप में बड़ा ही ब्रॉड है। कैसे, हमने एक ऑब्जेक्ट का मतलब, एक तो ये ऑब्जेक्ट आप समझते हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट आप समझते हैं जो कि आपको दिख रहा है ना, एक वो ऑब्जेक्ट हम बात करने जा रहे हैं जिसको कि हम देख नहीं सकते। जैसे हमने कहा कि कहीं ना कहीं से जो फीलिंग और आइडिया हमने लिखा है आगे, फीलिंग आइडिया और क्वालिटी जो हमने लिखा है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये चीजें तो बहुत सिंपल है, पर्सन प्लेस थिंग, ये तो हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर्सन प्लेस थिंग ये हमारी क्लियर है। फीलिंग आइडियाज, ये सब जो चीजें हमारी, जैसे कि हमने कहा वही जो हमने अभी बताया आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमारे फीलिंग आइडियाज और क्वालिटी में आते हैं। जैसे कि हमने कहा पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी, या फिर हमने कहा जजमेंट, या फिर हमने कहा सैडनेस, या हमने कहा गुडनेस, या फिर हमने कहा मर्सी, जैसे कि, या फिर हमने कहा या फिर हमने कहा रिच। रिच जो है ये हमारा एडजेक्टिव भी यूज होता है, रिच हमारा क्या है नाउन भी यूज हो सकता है। अभी कैसे यूज होगा, या फिर रिचनेस, ठीक ना, रिचनेस, या फिर हमने कहा फिर, या फिर हमने वर्ब, अगर एडजेक्टिव हमने कहा स्लो, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं आइडियाज, जब हम इसको फीलिंग या आइडिया के रूप में लेंगे, फीलिंग और आइडिया के रूप में जब भी हम इसको, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट पे जब हम फोकस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे ये चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट में कैसे कैसे कन्वर्ट हो रही है। आइए हम देखते हैं पहले कि हमने क्या कहा, पर्सन प्लेस थिंग, ये चीजें आपको क्लियर है। फीलिंग, फीलिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा सैडनेस, हमने कहा सैडनेस, कहीं ना कहीं से हमारी क्या है एक फीलिंग है, फीलिंग, इसको हमने नाम दे रखा है सैडनेस, या फिर हमने की एक हमारी फीलिंग है, या फिर हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी है क्या, गुडनेस, गुडनेस हमारी क्या है क्वालिटी है, तो हमने क्या नाम दे दिया उसको गुडनेस। तो इस तरीके से हमारी आइडिया हो, क्वालिटी हो, ये हमारी किस में आ जाती है, फीलिंग हो, ये सब सारी चीजें हमारी किस में आ जाती है, नाउन में आती है। तो नाउन हम क्या बोल सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग ऑब्जेक्ट फीलिंग। इन चीजों पर हम एक एक करके अभी आपको फिर से इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे, अभी हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे जब एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम आपको इन चीजों को फिर से बताएंगे। अभी हमने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग ऑब्जेक्ट फीलिंग आर आइडिया आर क्वालिटी एटसेट्रा। इन चीजों को जब हम नाम देते हैं तो वही हमारा एज ए नेम जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा नाउन का काम करता है। जैसे चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब इस नाउन को हम डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, या डिफरेंट तरीके से उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। वैसे जो हमने पढ़ाया, अभी हमने जो आपको बताया कि आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन है ना, इस तरीके से क्या है, ये आपके डिफरेंट नाउन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउन को, इसको हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद नाउन को हम और भी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करेंगे। जैसे हमने कहा नाउन नंबर, नाउन नंबर, या नाउन जो कि नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो, कैटेगराइज हो, तो नाउन नंबर कोई भी हमारा नाउन होगा वो नंबर में हो सकता है। जैसे हमने कहा कुछ नाउन्स हमारे ऐसे हैं जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, कुछ नंबर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम नंबर को क्या करते हैं, काउंटिंग, काउंटिंग के अकॉर्डिंग काउंटेबल होते हैं कुछ नाउन, और कुछ नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल होते हैं, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल होते हैं, नॉन काउंट मतलब नॉन काउंट या अनकाउंटेबल बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग भी हम नाउन को डिवाइड करेंगे,
फिर इसके बाद हमारा जेंडर के अकॉर्डिंग हमारा नाउन डिसाइड होगा। जेंडर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। और नॉर्मली जो हम नाउन को कैटेगराइज करते हैं वो हमने आपको बता दिया कि उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी कैसे, हमने कहा कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव, ये हमारे कुछ कैटेगरीज ऑफ नाउन है। तो एक एक करके अब हम पढ़ने चलते हैं। आपको ये क्या, हमने कहा कि काउंटिंग के अकॉर्डिंग नाउन को हम आगे क्या चल करके आगे चल के हम इसको कहेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जो हमारा नाउन काउंट होगा उसको हम काउंटेबल नाउन में, और जिस जो नाउन नहीं काउंट हो सकता उसको अनकाउंटेबल नाउन में, और जब हम जिस नाउन को काउंट कर सकेंगे उसको हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन में आगे चल के कैटेगराइज करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल नाउन में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। जिसको हम काउंट कर सकते, सॉरी, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं उसको हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन में आगे चल के कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसको नहीं काउंट कर सकते उसको हम वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं या हमारी फीलिंग्स होती है या फिर हमारे आइडियाज होते हैं, उनको कभी भी हम क्या है, काउंट नहीं कर सकते। तो उनको हम क्या करेंगे, उसको हम वहां पे अनकाउंटेबल नाउन में हम ड्रॉप कर देंगे। लेकिन जो हमारी काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सी चीजें जिसको हम क्या काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबल में रखेंगे और उसको हम सिंगुलर और प्लूरल में आगे चल के डिवाइड करेंगे। चले, कॉमन नाउन सबसे पहला जो हमने काइंड बताया आपको, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट के जस्ट अपोजिट मिल जाएगा कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है ना। हो सकता है कहीं भी आपको मिल जाए कॉन्क्रीट नाउन। तो अगर आपसे कॉन्क्रीट नाउन आपको समझना हो तो अभी यहीं पे हम बीच में डिस्कस कर लेंगे, जब हम आपको एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे तो बता देंगे कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। आप सारी चीजों को मिलाने की कोशिश मत करिएगा। क्या होता है, एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो हमारी फीलिंग हो सकती है। एक होता है हमारा टेंजिबल होता है, एक नॉन टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जिसको कि मूर्त रूप में हम देख सके या समझ सके उसको टेंजिबल बोलते हैं। जिसको नहीं देखा जा सकता, जिसको केवल फील किया जा सकता, उसको इनटेंजिबल बोलते हैं। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है वो इनटेंजिबल होता है, जो हमारा कॉन्क्रीट होता है वो टेंजिबल होता है। टेंजिबल का मतलब जिसको मूर्त रूप में देखा जा सके। जैसे ये सारी जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीजों को आप फील, जितनी चीजों को आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू समझ सकते हैं, जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स है अगर उसको, उसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, फील उसको हम टच कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, वो क्या है हमारी, वो हमारी टेंजिबल कॉन्क्रीट में आता है। जिसको केवल हम क्या कर सकते, केवल फील करें, जिसको हम कॉन्क्रीट अवस्था में नहीं ला सकते, जिस जो कि टेंजिबल अवस्था जिसकी नहीं होती है, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम किस में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में। उसको हम कभी भी शो नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि पावर्टी, पावर्टी एक क्या है, पावर्टी एक ऐसा वर्ड है, नाउन है, जिसको कि हम चाहे अगर फील, मतलब अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या होगा, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमने कहा जजमेंट, जजमेंट, या फिर हमने कहा सैडनेस, अगर हम इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जिसको अभी हमने नाम दिया था, बताया था कि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, अगर इसको हम नाम दे दें तो क्या होता है हमारा, वो भी हमारा नाउन कहलाता है। तो ये वही है, इसको हमें फील कर सकते हैं लेकिन हम इसको, इसको क्या कर सकते हैं, इसको मतलब हम महसूस कर सकते हैं लेकिन इसको हम सेंस ऑर्गन के थ्रू इसको समझ नहीं सकते। तो उसमें जो टेंजिबल, इसीलिए एक वर्ड होता है टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम मूर्त रूप में कन्वर्ट कर सके। मूर्त रूप का मतलब जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू समझ सके उसको हम कॉन्क्रीट में रखते हैं, और जिसको सेंस ऑर्गन के थ्रू नहीं समझ सकते, केवल हम उसको फील कर सकते हैं अंदर, उसको हम किस में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो अगर बाई चांस कॉन्क्रीट नाउन कहीं भी पूछ ले तो वो बहुत सारे नाउन को आप क्या है, अब्स्ट्रैक्ट को छोड़ के मोस्टली नाउन को आप किसमें रख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में रख सकते हैं, ठीक है। आइए, हमने कहा प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर, ये एक साथ हम दोनों को समझ लेते हैं। कॉमन, प्रॉपर, ये सब सारी चीजें बहुत सिंपल हैं जो कि आपने समझा है। आगे जो जो इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट में है, कुछ कुछ चीजें हमें जिस पे डिस्कस करना है कि कैसे हम वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैसे हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैसे कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं, इस पे मेन हमारा फोकस होगा। क्योंकि ये हमारा कंफ्यूज करने का काम करता है। कहीं कहीं हम ऐसा होता है कि हमें पहचानने को दे देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो पहचानने को दे देता है कि एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। अगर एडजेक्टिव नाउन में हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया
तो हम वहां पे हमें ऐसा महसूस होगा कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव है, लेकिन वो काम कर रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो हमें वहां पे समझने की जरूरत होगी। या कभी कभी हमारा क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वो वर्ब का काम कर रहा है, वो वर्ब है लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। ठीक है, तो हमें इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हम इस पे बताएंगे आपको। अभी हम आपको बताते हैं कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, जैसा कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि कॉमनली द नेम गिवेन एनी कैटेगरी, द नेम गिवेन टू एनी वन, एनी पर्सन, प्लेस, इन कॉमन कैटेगरी, जैसे कि किसी कैटेगरी को या किसी क्लास को हमने कॉमनली कोई नाम दे दिया, तो हमने क्या नाम उसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में किसी भी चीज को कॉमन नेम, अगर उसका कॉमन नेम है, उसकी आइडेंटिटी कॉमनली वो जानी जाती हो, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें गर्ल, ये हमारा कॉमन आइडेंटिटी है, एक फेमिनिन जेंडर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्ल। इसको अगर हम प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कोई भी प्रॉपर नेम, कोई भी पर्टिकुलर नाम हम इसको दे दें, कोई भी पर्टिकुलर नेम से हम आइडेंटिटी इसकी क्रिएट कर दें, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें कहा जाए बॉय या फिर मैन, जो भी कहो आप, ठीक है ना, तो अगर हम इस पर्टिकुलर बॉय या मैन को कोई नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मिस्टर शेखर, मिस्टर शेखर। ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, और ये बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। वैसे गर्ल, ऐसे अगर हमने इसको कोई नाम दे दिया, इसी को मैंने मान लीजिए सीखा, हमने ये नाम दे दिया, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये जो है कॉमन आइडेंटिटी है। सारे पूरी क्लास को, एक क्लास है, एक उस क्लास को हमने क्या नाम दे दिया है, कॉमनली उसको एक हमने नाम दिया गर्ल, एक क्लास है जिसको कॉमनली नाम दिया गया बॉय, एक क्लास है जिसको कॉमनली नाम दिया गया मैन, तो इसके और पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर आर स्पेसिफिक नेम गिवन टू पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज प्रॉपर। क्या है, डॉक्टर प्रोफेशनल, ऐसा प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन में काम करने वाले सारे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको मिस्टर बत्रा या डॉक्टर बत्रा हमने नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। उनको प्रॉपर नाउन में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जब किसी कैटेगरी को नाम दिया जाता है, उसको हम जब प्रॉपर स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, कॉमन से, तो किसी भी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बहुत टफ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। कि क्या है, किसी भी क्लास को, किसी भी कैटेगरी को अगर कोई भी कॉमन नाम दे के उसकी आइडेंटिटी क्लियर की जाती है, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। अगर उसको हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया और उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो गई, तो फिर क्या हो जाता है, वो स्पेसिफिक नेम वाला ही वर्ड क्या हो जाता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये तो हमारा बिना, अगर हमने सेंटेंस में नहीं भी यूज किया तो भी हम ये क्लियर कर सकते हैं कि नाउन है कि नहीं, मतलब कि कॉमन है कि प्रॉपर है, उसकी हम आइडेंटिटी से ही क्लियर कर सकते हैं, बाहर में ही, सेंटेंस में ना भी आए तब भी हम क्लियर कर सकते हैं ये क्या है, ये कॉमन है या प्रॉपर है। जैसे कि हमने मिस्टर डॉक्टर बत्रा यूज किया, तो डॉक्टर बत्रा ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, किसी डॉक्टर का पर्टिकुलर नेम है, डॉक्टर का कोई पर्टिकुलर नेम है जिसकी अपनी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हो सकता है किसी से मैच ना करे, तो क्या हो गया, प्रॉपर एक स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक डॉक्टर को दिया गया है, तो उस ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हमने डॉक्टर नाउन कॉमनली डॉक्टर यूज किया वर्ड, तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन। ऐसे ही सारे कैटेगरी में, ऐसे हम अगर नॉर्मली अगर हम देखें, हमने कहा आई लाइक कोल्ड ड्रिंक, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक। अब ये क्या है, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, अगर आप इसको अलग अलग करके देखेंगे तो ये क्या है, ये अलग अलग करके हमने देखेंगे, पूरा इसको हमने कलेक्टिवली देखा, तो ये किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, नाउन का, ये हमारा कलेक्टिवली नाउन का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको अलग से देखोगे तो कहोगे कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ड्रिंक, तो ठंडा क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, लेकिन हम इसको कलेक्टिवली देख रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहा है। और अगर इसको हमने प्रॉपर में चेंज करने की कोशिश की, तो हमने कहा आई लाइक पेप्सी या फिर कोका कोला, जो भी बोले हम, तो अब यहाँ पे इस कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन था कोल्ड ड्रिंक, कॉमन नाउन था कोल्ड ड्रिंक में, सारे सारे वो
ड्रिंक्स आ जाते हैं जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या फिर स्प्राइट, सेवन अप, जो भी है, सारे कॉमन, ये कॉमनली उस ड्रिंक को क्या नाम दिया, कोल्ड ड्रिंक, लेकिन हमने उसको क्या है स्पेसिफिक नेम दे दिया पेप्सी, तो क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन ही क्या होता है, प्रॉपर नाउन किसी भी कॉमन आइडेंटिटी को, किसी भी कॉमन पर्सन को जब हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया, हमने बोला आई स्टडी इन कॉलेज, आई स्टडी इन कॉलेज, दिस वन, दिस पर्टिकुलर, अगर आपसे, अगर आपके टीजीटी के क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे पूछा ऐसा क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा क्योंकि क्लास 5th लेवल का क्वेश्चन है, या हमें नहीं लगता कि इतना ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, कौन सा नाउन है, तो आप बता सकते हैं कि कॉमन नाउन है, लेकिन अगर इसको हमने, अगर इसको हम कहें कि प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना हो, तो हमने मान लीजिए कि आई टी डी कॉलेज, ठीक है ना। अब ये टीडी कॉलेज हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है इस पर्टिकुलर कॉलेज को, तो क्या हो गया, वो हमारा हो गया स्पेसिफिक नेम। अब इस स्पेसिफिक नेम के कारण ये हमारा कॉमन नाउन से किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कॉमनली किसी भी चीज को नाम जो दिया जाता है, किसी क्लास को, किसी कैटेगरी को, उसको हम कॉमन नाउन, और अगर हम स्पेसिफिक नेम अगर उसको दे देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये कॉमन और प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन है। कॉमन और प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि द कॉमनली गिवेन नेम, द कॉमनली अ नेम गिवेन टू, कॉमनली अ नेम गिवेन टू अ क्लास आर कैटेगरी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर एनी एनी ऑब्जेक्ट इन कॉमन, किसी भी प्लेस, ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स या फिर किसी भी पर्सन को अगर हम कॉमनली कोई नाम दे दिया, उसकी क्लास को पूरे हमने कोई कॉमनली नाम दे दिया, तो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर हमने कहा कि स्पेसिफिक नेम गिवेन टू द पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर थिंग, दैट स्पेसिफिक नेम इज नोन एज प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अब डेफिनेशन हम आपको, डेफिनेशन आपको हम लिखवा नहीं रहे, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, वैसे हम आपको नोट्स अगर दे रहे हैं सैटरडे संडे को, अब तक आप ये नाउन वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के नोट्स तो नहीं, लेकिन इसके पहले जितनी चीजें हमने पढ़ाया है उसकी मोस्टली की नोट्स हम आपको कल दोपहर या कल शाम तक आपको हम दे देंगे, और परसों आपका जो टेस्ट है, आपको मैंने बताया था कि मंडे को आपका टेस्ट है, तो मंडे को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई है एक बार सुन लीजिए क्या क्या चीजें आ सकती हैं। वो आपका आएगा, जैसे हमने आपको बताया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको मतलब दोनों को डिफर करना, मतलब दोनों को क्लासिफाई करने का वर्क मिल सकता है आपको टेस्ट में, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना, या फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट, सब्जेक्ट है कि वर्ब है, या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, ये आइडेंटिफाई करना हो सकता है आपको, या फिर ये आइडेंटिफाई करना हो सकता है कि वो एक्शन वर्ब का काम कर रहा है या फिर वो आपका लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आइडेंटिफाई करना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो और क्वेश्चन हम फॉर्म करेंगे वो आपको हमने बताया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने आपको बताया डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ाया था, तो उन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में से हो सकता है कि सेंटेंस को कन्वर्जन में से आ जाए आपका, कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना है, या फिर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आएगा, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू जस्ट यूज क्वेश्चन टैग फॉर पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट, वो आ सकता है, फिर आपका क्वेश्चन जो होगा डिफरेंट जो सेंटेंसेस हमने बताया उसके, तो उसकी कैटेगरी हमने बता ही दिया है, आइडेंटिफाई भी करना आ सकता है, या फिर उसके स्ट्रक्चर को, या फिर देखेंगे हम क्वेश्चन जैसे भी आपके उसमें पूछा गया है आपके एग्जाम में, उस तरीके का क्वेश्चन हम आपको फॉर्म करके टेस्ट में देंगे। लगभग 1 घंटे का पेपर होगा और हम लाइव मतलब यहीं पे आपको लेंगे, आपको देख के आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। मंडे को हमें लग रहा है कि 10 से 11 ही लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आप चेंज करते हैं तो ले नहीं पाते हैं, तो 10 से 11 है मंडे को, आप तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए, और नोट्स आपको कल मिल जाएगा। कोई और क्वेश्चन है आपकी तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी टेस्ट को लेके या फिर नोट्स के लेके, किसी भी चीज को लेके कोई क्वेरी है। हाँ, और जो हमने आपको भेजा है वो एंटोनी, वो सॉरी होमोफोन्स और होमोनिम्स जो हमने भेजा है, आज हम आपको डिस्कस नहीं कर पाए, मंडे से उसको आपसे डिस्कस करेंगे, डेली फाइव होमोनिम्स या होमोफोन्स जो भी हम दिए रहेंगे वो आपसे हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे की डेली हम एक एक पेज आपको भेजेंगे और फाइव फाइव डिस्कस हम डेली करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार आप जरूर देख लीजिएगा जो हमने अभी इसके पहले को। हाँ हाँ हाँ
हाँ हो चुकी थी अभी, इसके पहले भी हमने आप इसमें है लेक्चर में, जो आपका देखेंगे तो लेक्चर में रिकॉर्डेड लेक्चर में है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे हमने 2-3 क्लास लिया है। हाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ सब्जेक्ट, हाँ किया है, किया हमने क्लास लिया है कि ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बार कल आप, कल वाली परसों वाली क्लास को आप देख लीजिएगा, परसों वाली क्लास को आप देख लीजिएगा, जो 2 घंटे का लेक्चर हुआ उसको भी देख लीजिएगा, और उसके बाद हम आपको लिंक, अभी हम आपको लिंक और भेज दे रहे हैं जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डिस्कस किया होगा। ठीक है, देखिए 4 चीजें हो सकती हैं, एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे, आपको इन शॉर्ट हम बता दे रहे हैं कि सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये तो 2 चीजें हमारी कंपल्सरी है सेंटेंस में, इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है सेंटेंस में और हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, अभी हमारा ऑब्जेक्ट जैसे हमने कहा, एक इन शॉर्ट हम बता दे रहे हैं, हमने कहा कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे जो दिस वर्क है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारा पूरा क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। हमने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हमने कहा इट सीम्स इट्स, या हमने कहा ही बिकेम अ टीचर। अब यहाँ पे जो ये वर्ब है आपके, इसकी अकॉर्डिंग देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है। ये अ टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, हमने कहा यू लुक स्मार्ट, यू लुक स्मार्ट, ये हमारा लग रहा है हमको कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें इस तरीके से, हमने आपको समझाया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने अगर हमें ऑब्जेक्ट बताया है तो ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा बल्कि हमारा एक्शन वर्ब होगा। वो एक्शन वर्ब क्या, कैसा होना चाहिए, एक्शन वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए, हमने आपको बताया है ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। वो ऑब्जेक्ट हमारा 2 टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से जो क्वेश्चन करते हैं वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर देता है, और हुम से आंसर करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है हमें। हमने ये सब सारी चीजें डिस्कस किया है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा वीडियोस को, सारे जितने वीडियोस हैं उसको आप देख ले, शुरुआत के वीडियोस में होंगे, और अगर नहीं होता है, बाई चांस नहीं होता है, तो आप हमको फोन करके बताइएगा, हम एक बार हम खुद ही चेक कर लेते हैं, मिल जाता है तो हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझना, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ऐसा भी है कि केवल और केवल ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट ना हो, और ऐसा भी हो कि ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया, एक बार आप क्लास देख लीजिए, 2 घंटे वाली जो क्लास है उसको आप देख लीजिए, उसमें मोस्टली चीजें आपको मिल जाएंगी। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, ये कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, ये सारी चीजें हमने बताया है। 2 घंटे वाली क्लास आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलता है आपको, तो आप हमसे डिस्कस करिएगा, हम आपको, और हो सकता है संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे फिर, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। ओके गुड डे।